हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ट्रिक्स और कंसेप्ट में एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पार्ट टू। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग करेंगे एक टेस्ट जिसमें हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे एवव और ओवर। दो वर्ड्स हैं एवव और ओवर, ये मोस्टली कंफ्यूजिंग है। कभी 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 एवव का यूज़ होता है, कभी कभी ओवर का यूज़ होता है। तो देखते हैं, आप अपना सबसे पहले टेस्ट कीजिए। इसको मैं सारे क्वेश्चंस को एक बार स्लोली मूव करता हूँ ताकि आप स्क्रीन को पॉज करके एक एक करके क्वेश्चंस को कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? तो उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक आंसर और करेक्ट आंसर क्या होगा इच केस में, ठीक है? तो आप स्क्रीन को पहले पॉज कर लीजिए और उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए टेस्ट को। उसके बाद मैं जो बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसको आंसर को उसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिन लोगों ने कर लिया है ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला देखिए, ए और बी फिगर में दिया गया है। यहाँ पे ए इज डैश एवव होगा या ओवर होगा बी? तो इस केस में जिन लोगों ने एवव लिखा है वो भी ठीक है, जिन लोगों ने ओवर लिखा है वो भी ठीक है। इन इस केस में दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, ठीक है? तो दोनों ही मैं टिक कर दूंगा, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि यहां पे एवव और ओवर दोनों का मतलब होता है हायर देन, ठीक है? तो दोनों का मतलब होता है हायर देन। तो हायर देन के केस में एवव भी यूज कर सकते हैं, ओवर भी यूज कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल इसका सेकंड वाला, तो ये हो गया सेकंड वाला, द स्नो केम अप डैश एवव और ओवर आर्नी हायर देन आर्नी। तो इस केस में भी एवव भी करेक्ट है और ओवर भी करेक्ट है। तो कंसेप्ट याद रखिएगा कि हायर देन के केस में एवव भी करेक्ट है, ओवर भी करेक्ट है। तो इस तरह का कोई भी आएगा जिसका मीन या मीनिंग या सेंस हायर देन के लिए यूज होता है, तो एवव और ओवर दोनों ही करेक्ट हैं। देयर इज अ स्पाइडर ऑन द सीलिंग जस्ट डैश एवव और ओवर योर हेड। तो ये भी कंसेप्ट वन पे जो कंसेप्ट है कि हायर देन के केस में यूज होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हायर हायर देन के केस में एवव और ओवर दोनों ही यूज होता है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है? अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जाते हैं, आसान है ना? फोर्थ पे देखिए, ये लाइन है, यहां पे ए है और यहां पे बी है। तो ए इज डैश एवव होगा या ओवर होगा बी? तो इस केस में याद रखिए, इस केस में क्या होगा? एवव होगा, ओनली एवव होगा, ओवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। रूल यह है कि यदि ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट ऊपर ना हो, हाँ, जैसे मान लीजिए ये है, ये डायरेक्ट सर पे हो है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? ओवर लिख सकते हैं, ओवर लिख सकते हैं। लेकिन यदि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है
और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, जैसे बी ए और बी डायरेक्ट सर पे तो नहीं है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, अबव लिखेंगे, ओवर गलत है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ, उसका क्या होगा बताइए। तो ये एग्जाम्पल देखिए, वी हैव गॉट अ लिटिल हाउस, डैश अबव होगा या ओवर होगा। तो इस केस में देखिए, जस्ट लेक के ऊपर तो, पानी के ऊपर तो नहीं हो सकता है, तो लेक के किनारे हो सकता है, तो ये डायरेक्ट ऊपर तो नहीं है लेकिन हाइट में है। मान लीजिए लेक लेक यहाँ पे है, तो ये लेक लेक हो गया और हाउस हमारा यहाँ पे है, तो डायरेक्ट ऊपर में यहाँ पे तो हाउस नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे ये हाउस है, तो यहाँ पे ये हाउस है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, अबव कहेंगे, डायरेक्ट सर पे नहीं है इसलिए इस केस में हम अबव कहेंगे, ओवर गलत होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। देयर इज क्लाउड डैश अबव और ओवर दिल्ली। तो क्लाउड जो है हाँ, तो एकदम दिल्ली के, दिल्ली से दिल्ली को वो कवर कर रहा है, तो कोई चीज किसी चीज से कवर हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ओवर लिखेंगे। ठीक है, उस केस में हम लोग ओवर लिखेंगे। और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये है ए और ये है बी, बी तो देखिए बी को ए पूरा कवर कर रहा है, तो हम इस केस में क्या लिखेंगे, ए इज ओवर बी। आई बात समझ में? उसी तरह क्लाउड दिल्ली को कवर कर रहा है इसलिए ओवर लिखेंगे, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश अबव और ओवर 2 मीटर्स टॉल। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मोर देन के केस में, जब भी कोई मोर देन का केस हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओवर। ठीक है, तो मोर देन का मीनिंग हो तो भी हम क्या लिखेंगे, ओवर। ठीक है, तो ही इज ओवर 2 मीटर टॉल। ठीक है, अब कोई पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू, तो आप क्या आंसर दोगे, ओवर 20, ओवर 25, ओवर 30, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अबव नहीं करेंगे, ओवर, ओवर 20, ओवर 25, ओवर 30, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वेयर डैश अबव और ओवर 50 पीपल एट द पार्टी। तो यहां पे क्या होगा, ज्यादा, मोर देन मीन्स ज्यादा, तो 50 पीपल से ज्यादा लोग थे पार्टी में, तो इसमें भी ओवर होगा, अबव नहीं होगा। फिर ज्यादा के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा और एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर, उसके बाद हाइट, सी लेवल से हाइट और एवरेज, ये सब के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, अबव। तो टुडेज टेम्परेचर इज अबव और ओवर होगा, अबव होगा 0 डिग्री से, तो टेम्परेचर के केस में हम लोग अबव लिखते हैं, याद रखिए ओवर नहीं लिखते हैं। अच्छा, दिल्ली इज एट एन अल्टीट्यूड 700 मीटर, अबव और ओवर होगा, हम लोग एल्टीट्यूड के केस में, हाइट के केस में, सी लेवल से हाइट के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, अबव लिखते हैं। और सी गॉट डैश अबव और ओवर एवरेज मार्क्स, एवरेज के केस में भी हम लोग अबव लिखते हैं, याद रखिए। तो ये अबव और ओवर का करेक्ट यूजेस हैं, इसको अच्छे तरह से याद रखिए, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट एक एक्सरसाइज करते हैं, कॉमन एरर टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर लें और इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, ये 5 क्वेश्चंस हैं,
इनको खुद से ट्राई करें और जब हो जाए फिर आंसर चेक करने के लिए और उसका सॉल्यूशन को समझने के लिए हम लोग इसको देखिए, ठीक है। चलिए अब लोगों का हो गया होगा तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जेम्स बूस्टेड फॉर हिज स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे एरर क्या है, एक एरर है। हाँ चलिए आप लोगों के सहूलियत के लिए मैं बता देता हूँ, प्रीपोजिशन का एरर है ये प्रीपोजिशन का एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे गलती जो है वो है फॉर नहीं होगा। तो रूल क्या है, रूल ये है कि बूस्टेड के केस में बूस्टेड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है और अबाउट आता है, ठीक है। तो बूस्टेड के साथ ऑफ या अबाउट आता है, याद रखिए ऑफ या अबाउट। यहां पे फॉर दिया हुआ है जो कि गलत है। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता इज वेरी केयरफुल फॉर हर हेल्थ। अब केयरफुल, केयरफुल के साथ यहां पे क्या एरर हो गया, फॉर एरर है। केयरफुल के साथ क्या क्या आ सकता है, प्रीपोजिशन ऑफ आ सकता है और क्या आ सकता है, विद आ सकता है और क्या आ सकता है, अबाउट आ सकता है, अबाउट। ये तीन प्रीपोजिशन आ सकते हैं और कुछ भी नहीं आ सकता है। यहां पे फॉर दिया हुआ है तो गलत है। तो इसका करेक्ट क्या होगा, सीता इज वेरी केयरफुल ऑफ हर हेल्थ, हाँ विद हर हेल्थ और अबाउट हर हेल्थ, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला देखते हैं। ही ट्रेवल्ड विद द ट्रेन यस्टरडे। तो यहाँ पे भी गलती क्या है प्रीपोजिशन में, कि हमने जो लिखा हुआ है विद, विद नहीं होगा, हमारा क्या होगा, ही ट्रेवल्ड बाय, तो विद गलती है, ट्रेवल बाय द ट्रेन, ठीक है। बाय बाय के साथ फिर द नहीं आएगा, याद रखिए यहाँ पे बाय ट्रेन, ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन यस्टरडे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। मोहन कंप्लेंड फॉर द वेदर, ठीक है। तो अब कंप्लेंट के साथ फॉर कभी नहीं होता है, तो यहां पे गलती क्या है, फॉर। कंप्लेंट के साथ हमेशा क्या आएगा, अबाउट, अबाउट। तो करेक्ट क्या हो गया, करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, मोहन कंप्लेंट अबाउट द वेदर। लास्ट क्वेश्चन, आवर क्लास इज कंपोज्ड फ्रॉम 30 स्टूडेंट्स। तो यहां पे गलती क्या है, कंपोज्ड के साथ क्या आता है, फ्रॉम कभी नहीं होता है कंपोज्ड के साथ, तो ये गलती हो गया हमारा फ्रॉम, तो कंपोज्ड ऑफ होगा, ठीक है, कंपोज्ड के साथ ऑफ आएगा। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को लेसन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और यदि अच्छा लगा तो एक लाइक साइन दे दीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।